हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ फिनो पेमेंट बैंक का जो अभी फ़िलहाल अपडेट आया है मित्र ऐप्स का, वो अपडेट का बारे में बात करने जा रहा हूँ। अभी जो प्रॉब्लम है मेन का, जो मेन अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन एटीएम ट्रांजेक्शन करते समय जो फेल आ रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो सभी मर्चेंट को पहले आपको मित्र ऐप्स में जाना है और मित्र ऐप्स प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर से आपका जो मित्रा फिनो पेमेंट बैंक का ऐप है, वही ऐप को आपका जो मित्रा ऐप्स वो अपडेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन, ऐप्स का इन्फॉर्मेशन देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे ऐप्स वर्सन है 2.7.9 और लेटेस्ट अपडेट 25 मार्च 2020। यहाँ पे देखिए, तो आप सभी लोग अपडेट कर दीजिए। और जो ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। अभी जो पहले जैसा नॉन शिफ्टेबल कार्ड D1 पैक्स डिवाइस D180 में सपोर्ट होता था नॉन शिफ्टेबल, अभी नॉन शिफ्टेबल कार्ड नहीं सपोर्ट होगा। और जो शिफ्टेबल है ओनली स्मार्ट शिफ्टेबल कार्ड, ये जो ईमेस में देख रहा है, ईमेस में जैसा है उसी तरीके से ट्रांजेक्शन करना है। पहले स्वीप जो हुआ था वो स्वीप नहीं होगा। अभी जो स्मार्ट सिप्स देखिए, यहाँ पे स्मार्ट सिप जो सिम वाला हिस्सा है उसी हिस्सा को, जो स्मार्ट सिप्स वाला हिस्सा है वही आपको जो पैक्स डिवाइस D1 का पहले किया था, फ्रंट में स्वीप करने का ऑप्शन था। अभी साइड में जो आपका इंसर्ट कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन है, वहाँ पे सही तरीके से आपको यहाँ पे जो सिंबल में ये जो पिक्चर में देख रहा है उसी तरीके से आपको इंसर्ट करना है। और बाकी का जो प्रोसेस था आगे जैसा था पे ट्रांजेक्शन करने समय, सेम प्रोसेस है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। सिर्फ यही अपडेट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पहले अब इंसर्ट करने पर कोई ऑप्शन नहीं आता, कार्ड को शो नहीं, डिटेक्ट नहीं कर पाता। अभी जो कार्ड को इंसर्ट करने पर सिप वाला हिस्सा कार्ड को इंसर्ट करते पर कार्ड को सही तरीके से डिटेक्ट करता है और ट्रांजेक्शन को बहुत सिक्योर बनाया दिया है ये अपडेट के बारे में। ये अपडेट जो दिया है फिनो ने, बहुत अच्छा अपडेट दिया। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारा चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।